सॉइल के अंदर फास्फोरस की कौन सी अलग अलग तरह की फॉर्म्स होती हैं, साथ में सॉइल के अंदर फास्फोरस फिक्सेशन क्या होता है, और साथ में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फास्फोरस फिक्सेशन को अफेक्ट करते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फर्टिलिटी को आगे कंटिन्यू करते हुए फॉस्फोरस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो फॉस्फोरस के अंदर सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे कही वो है फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस इन द सॉइल। तो सॉइल के अंदर फॉस्फोरस दो मेन फॉर्म्स के अंदर देखा जाता है, या हम उसे दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि है इनऑर्गेनिक फॉर्म्स और साथ में ऑर्गेनिक फॉर्म्स। इनऑर्गेनिक फॉर्म्स जैसे कि आप समझते हैं जो कार्बन से एसोसिएटेड नहीं है, ऑर्गेनिक फॉर्म्स जनरली हम उन्हें कहते हैं जो कार्बन के साथ एसोसिएटेड है, उन फॉर्म्स को हम कह देते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म्स। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स जो हैं उन्हें भी दो तरह से क्लासिफाई कर दिया जाता है, जो कार्बन से अटैच्ड नहीं है, है ना। तो ऐसी फॉर्म्स जो हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म्स जो हैं उन्हें दो तरह से क्लासिफाई कर देते हैं हम। पहली फॉर्म जो है उसे हम कह रहे हैं आयोनिक फॉर्म, और दूसरी जो फॉर्म है उसे हम कह रहे हैं कंबाइंड फॉर्म। ये जो आयोनिक फॉर्म है इसके अंदर भी हम देखते हैं दो तरह के आयन्स के रूप में फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। कौन से हैं वो दो आयन्स आपको पता होनी चाहिए ये, कि फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट। ऑर्थोफॉस्फेट नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जानते होंगे जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H3PO4, तो H3PO4 जब अपना H+ आयन डोनेट करता है तब वो क्या बनाता है H2PO4-। जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है H2PO4-, माइनस माइनस वन है, यानी ऐसा ही जो एनायन बन रहा है इसे हम क्या कह रहे हैं प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट कह रहे हैं, और जब इसमें से एक और हाइड्रोजन आयन निकल जाए तब इसे हम क्या कहेंगे सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट कहेंगे। तो ये प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट और सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट दोनों ही प्लांट के लिए अवेलेबल होते हैं, प्लांट इसे फॉस्फोरस के रूप में अपटेक करते हैं। ओके, तो हम ये एक बात इंपॉर्टेंट याद रखते हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ दीज आयन्स, कंसनट्रेशन ऑफ दीज आयन मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट इज इक्वल एट pH 7.2। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम देखते हैं जो pH है 7.2, यानी न्यूट्रल pH जो है, लगभग न्यूट्रल pH जो है उसके ऊपर ये ऑर्थो और प्राइमरी फॉस्फेट दोनों का कंसनट्रेशन बराबर होता है। स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इस वीडियो को पॉज करके आप उस ग्राफ को जरूर स्टडी कीजिए। आपको नजर आएगा कि उसके अंदर जो ग्राफ है वो एक जगह क्लैश हो रहा है, जिसके अंदर हम दिखा रहे हैं कि H2PO4 और HPO4 का कंसनट्रेशन किसी एक जगह पे हम देख रहे हैं क्लैश होता हुआ, या एक जगह बराबर दिखाई देता है। उस बराबर दिखाई दे रहे पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, एक तरह से pH को नोट करते हैं, याद रखते हैं, जो है 7.2। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं जो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं उसके अंदर कंबाइंड फॉर्म की अगर हम बात करें, कुछ जुड़ी हुई चीज़ों की बात करें, तो वो है इसका एपेटाइट्स। नाम तो सुना ही होगा, है ना। हमने कई बार जब मिनरल्स वगैरह को याद करते हैं, मिनरल्स कौन से एलिमेंट का सोर्स हैं इस तरह से जब हम याद करते हैं, तो हम ये याद करते हैं कि एपेटाइट्स आर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। ओके, जैसे आपने एक फेमस, आपको याद होगा कि टोरमेलिन जो है वो कौन से एलिमेंट का सोर्स होता है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि टोरमेलिन एक पर्टिकुलर एलिमेंट का सोर्स है, उस तरह से एपेटाइट भी किसका सोर्स है, फॉस्फोरस का सोर्स है। अभी जो एपेटाइट है उसके अंदर अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है, फ्लोरीन प्रेजेंट है तो उसे फ्लोर एपेटाइट कह दिया जाता है, अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसे क्लोर एपेटाइट कह दिया जाता है, और हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हाइड्रोक्सी एपेटाइट कह दिया जाता है, राइट। तो इन सभी को मैंने एक साथ ही लिख दिया, एक ही फॉर्मूले में रूप में लिख दिया है, लेकिन इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिएगा। CA10 कैल्शियम 10 है, और साथ में हम देख रहे हैं PO4 का हॉल 6 F2। F2 है तो फ्लोर एपेटाइट, Cl2 है तो क्लोर एपेटाइट, OH2 है तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब आप एग्जाम में ये फॉर्मूला चेंज हो जाए, चेंज कैसे हो सकता है, तो इस तरह से याद रखिएगा CA5 भी दिया जा सकता है, ये सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो इसलिए इसको छोटा कर दिया जाता है फॉर्मूले को, CA5 PO4 का हॉल थ्राइस F, एक अकेला F होता है। तो उन फॉर्मूलाज में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह से दोनों फॉर्मूलेज को समझ के रखिएगा दिमाग में। ओके, तो ये होते हैं फ्लोर एपेटाइट और क्लोर एपेटाइट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट। एक और फॉर्मूला है जो इसी से मिला जुला है और हमें याद रखना है, जो कि है फ्रेंकोलाइट। फ्रेंकोलाइट में आप याद रखिएगा कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट जानते हैं CO3, है ना। तो कार्बोनेट वाला एपेटाइट कौन सा है, फ्रेंकोलाइट है, इसे भी जरूर याद। तो इस तरह से हमने एपेटाइट, या मैं कहूँ हमने इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में जाना, और अब हम जानेंगे ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। ऑर्गेनिक फॉर्म जो कार्बन से एसोसिएटेड है, तो कार्बन के नाम पर हमें याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है इनोसिटॉल फॉस्फेट। क्या है इनोसिटॉल फॉस्फेट? इनोसिटॉल फॉस्फेट वास्तव में एस्टर होता है,
एस्टर कभी सुना है? अगर आपने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एस्टर वो है जो एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एसिड और अल्कोहल आपस में जो बॉन्ड बना के कुछ नया प्रोडक्ट देते हैं, जिसे हम एस्टर कहते हैं। ये एस्टर्स हैं, तो ये कौन है? आइनोसिटोल फॉस्फेट एक तरह के एस्टरस फॉर्म है। एस्टरस फॉर्म है जो कि हम देखते हैं सॉइल में, देखी जा सकती है। और किसकी है ऑर्गेनिक फॉर्म? तो फॉस्फोरस की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं इसे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सॉइल में ऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी अवेलेबल है फॉस्फोरस की। तो आप याद रखेंगे कि वो इनोसिटॉल फॉस्फेट है। ओके, लगभग 20% हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक फॉर्म जो भी हैं उसमें 20% मेन सबसे ज़्यादा कौन है, तो आइनोसिटॉल फॉस्फेट ही है। बाकी चीज़ें जो है सॉइल के अंदर कम होती हैं, कम परसेंटेज में, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड याद है आ गया आपको? डीएनए। डीएनए के अंदर याद आ गया आपको? फॉस्फोरस, राइट। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो हम देख रहे हैं उसकी जो बैकबोन होती है उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो फिर न्यूक्लिक एसिड के रूप फॉर्म में हम देख रहे हैं ये 0.6 से 2.4%, लगभग 2.5%, है ना, 2.5 के रूप में याद रख सकते हैं। तो 2.4% तक हमें याद रखना है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। और फॉस्फोलिपिड्स के रूप में, फॉस्फोलिपिड्स कब पढ़े थे याद है आपको? फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्म में हमें बता होना चाहिए। सेल किसकी सेल? तो हम देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब मरेंगे, मर जाएंगे, तब उसके अंदर हम देखेंगे उनकी सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें से क्या निकल सकता है, फॉस्फोरस सॉइल में आ सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फॉर्म इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदल जाए। तो क्या आप जानते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पिछली वीडियोस में हमने डिस्कशन किया है कि जब हम देखते हैं किसी ऑर्गेनिक फॉर्म, यानी हम कह रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चीज़ है और वो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में अगर बदल जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन कहते हैं, राइट। और ये इनऑर्गेनिक फॉर्म्स अगर वापस अगर कोई इंटेक कर ले, ऑर्गेनिजम्स इंटेक कर लें, तो फिर वो इमोबिलाइजेशन कहेंगे। तो फॉस्फोरस का इमोबिलाइजेशन और फॉस्फोरस का मोबिलाइजेशन मेरे पास अभी दिमाग में आ रहा है। तो हमें इसे भी याद रखना है कि इसकी वजह से हम देखते हैं टर्म्स यूज़ करते हैं। क्या आपको याद है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि सी एन रेशो जो है मिनरलाइजेशन के लिए, मतलब मिनरलाइजेशन के लिए सी एन रेशो कितना होना चाहिए नाइट्रोजन के फेज़ में, कि नाइट्रोजन का मिनरलाइजेशन करवाना है तो वहाँ पे सी एन रेशो कितना होता है? आपको याद होगा 20:1 से मैंने कहा था कम होता है तब मिनरलाइजेशन होता है, और 30:1 से ज़्यादा होता है तब मैंने आपको बताया था कि वहाँ इमोबिलाइजेशन होता है। क्यों होता है वो भी मैंने डिस्कशन किया था। तो उसी तरह से यहाँ हमें सी पी रेशो भी याद रखना होता है, कार्बन टू फॉस्फोरस रेशो। सी पी रेशो जो है वो हम यहाँ 10 गुना याद रखते हैं, वहाँ मैंने क्या कहा 20:1 से कम। तो अब ऐसे याद रख लीजिए 200:1, 200:1 से अगर कम है तो हम देखेंगे यहाँ मिनरलाइजेशन होगा, 300:1 से ज़्यादा होगा तो इमोबिलाइजेशन होगा, नेट मोबिलाइजेशन और नेट इमोबिलाइजेशन होगा। ओके, दो अब बात ये याद रखिएगा इनके बीच का हो तो वही हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट है, कि जो हम देख रहे हैं मिनरलाइजेशन भी हो रहा है और हम देख रहे हैं इमोबिलाइजेशन भी हो रहा है। तो खैर आपको ये रेंज जरूर याद रखनी है, 200 और 300, ये 10 टाइम्स चलता है यहाँ पे। ओके, इसे याद रखिएगा। अब हम जो देख रहे हैं वो ये है कि एक नोट पॉइंट लगा रखा है मैंने कि इन सीड्स एंड फ्रूट फॉस्फोरस इज प्रेजेंट एज फाइटीन। तो इसे स्टार लगा के याद कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है ये कि सीड्स के अंदर या स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस को स्टोर किस तरह से, किस फॉर्म में किया जाता है। तो आप याद रखते हैं ये है फाइटीन। फाइटीन भी एक तरह का वैसे एस्टरस फॉर्म ही होती है, तो इसलिए इस नाम को फाइटीन को आप जरूर याद रखिएगा। ओके, तो इस तरह से हमने फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में बात कर ली है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या जानेंगे, हम ये जानेंगे कि फॉस्फोरस फिक्सेशन क्या होता है। ओके, ये जब मैंने आपको कहा कि जो फॉस्फोरस की अवेलेबल फॉर्म्स हैं, इनऑर्गेनिक अवेलेबल फॉर्म्स जो हैं H2PO4- और HPO4-, ये 7.2 पर अवेलेबल होती हैं। तो क्या होगा अगर पीएच कम हो जाए, क्या होगा अगर पीएच 7.2 से ज़्यादा निकल जाए, तब ये जो पीएच के साथ में इसका रिलेशन है इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में जानने वाले हैं। और साथ में इस वीडियो से पहले की वीडियोस के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड बातें करते आ रहे हैं, यानी नाइट्रोजन के ऊपर बात कर चुके हैं, फॉस्फोरस के ऊपर बात कर रहे हैं, और आगे और जो भी एलिमेंट्स हैं एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फास्फोरस फिक्सेशन के बारे में। फास्फोरस फिक्सेशन से रिलेटेड पहली बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि इसे इसका डेमोन्स्ट्रेशन सबसे पहली बार किसने किया था, तो थॉमस वे ने। थॉमस वे का नाम हमने कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के अंदर भी पढ़ा था, याद है आपको? तो उसी तरह से आपको ये भी याद रखना है कि थॉमस वे जो है उन्होंने फॉस्फोरस फिक्सेशन या फॉस्फोरस रिटेंशन के बारे में भी बताया। फॉस्फोरस रिटेंशन इसका मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब ये है कि द कन्वर्जन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन फॉस्फोरस, सॉइल सॉल्यूशन फॉस्फोरस जो है, सॉइल सॉल्यूशन फॉस्फोरस, अभी आपको जो मैंने बताया प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट्स और सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट
फॉर्मूले याद है आपको, H2PO4- और HPO4-। ये दोनों ही जो फॉर्म है ये सॉइल सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल होती हैं, प्लांट को सीधा अवेलेबल हो सकती हैं। ओके, तो ये जो अवेलेबल फॉर्म्स हैं इनका कन्वर्जन, इनका कन्वर्ट होना, किसके अंदर कन्वर्ट होना, टू इनसॉल्युबल कंपाउंड्स। इनसॉल्युबल कंपाउंड्स जैसे अभी एक एपेटाइट नाम पढ़ा था हमने, है ना, तो वैसे ही इनसॉल्युबल फॉर्म, ऐसी फॉर्म्स जो प्लांट को अवेलेबल ना हो, प्लांट कोशिश तो करे लेकिन उसका अपटेक ना कर पाए, तो ऐसे जो फॉर्म्स हैं इनसॉल्युबल फॉर्म्स में बदलना बाय सॉइल कंपोनेंट, सॉइल के कंपोनेंट ही ऐसा कुछ काम करेंगे, तो ऐसा होने से कॉजिंग रिडक्शन इन अमाउंट दैट प्लांट कैन एब्जॉर्ब। इससे क्या हुआ, जब कोई अवेलेबल हो सकने वाली फॉर्म अनअवेलेबल फॉर्म में बदल गई तो उससे क्या हो गया, कमी हो गई, यानी रिडक्शन हो गया, ऐसा फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो हमने क्या समझ लिया, हमने ये समझा कि फास्फोरस रिटेंशन, फास्फोरस फिक्सेशन का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा फिक्सेशन होगा प्लांट को अवेलेबिलिटी उतनी ही फास्फोरस की कम होगी, राइट, समझ आ गई बात। तो इसे हम कहते हैं फास्फोरस फिक्सेशन। ये डिपेंडेंट है मेनली पीएच के ऊपर, किसके ऊपर, पीएच में, इसमें लिखा है सॉइल का कंपोनेंट, सॉइल का एक ऐसा रूप याद रखिए जो, या ऐसा फैक्टर याद रखेंगे जो कि है पीएच। पीएच जो है अगर 7 से कम निकल गई तब उस कंडीशन में वहाँ हम देखते हैं ऐसी सॉइल्स जो होती हैं, उन सॉइल्स के अंदर हम देखते हैं फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। याद है आपको, ये बात याद होनी चाहिए कि हमें एसिडिक कंडीशंस के अंदर फेरस और एल्यूमिनियम ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ये आयंस ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। जब ये आयंस ज़्यादा अवेलेबल होंगे तब ये फॉस्फेट आयंस जो हैं, ऑर्थोफॉस्फेट आयन जो प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट है, H2PO4- और वाटर, इनके साथ इंक्लूड होंगे और एक ऐसा कंपाउंड बना लेंगे AlOH का हॉल ट्वाइस H2PO4, राइट, जैसे हम कह रहे हैं एल्यूमिनो हाइड्रोक्सी फॉस्फेट। एल्यूमिनो हाइड्रोक्सी फॉस्फेट जो है ये अनअवेलेबल या इनसॉल्युबल होता है फॉर्म में। तो कहने का मतलब कुल मिला के फॉस्फोरस फिक्स हो गया, तो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाएगा एसिडिक कंडीशन में। अगर एल्कलाइन कंडीशंस हो जाए तब भी दिक्कत है, तब क्यों, क्योंकि एल्कलाइन कंडीशंस में कैल्शियम बैठा होता है, जहाँ वहाँ प्रॉब्लम कॉज कौन कर रहे हैं, एल्यूमिनियम और फेरस, तो यहाँ प्रॉब्लम कौन कॉज करेगा, तो हम कहते हैं कैल्शियम। ऐसी सॉइल्स को कैल्केरियस सॉइल के रूप में भी समझते हैं, तो कैल्केरियस सॉइल्स के अंदर जो फॉस्फोरस है वो एडजॉर्ब हो जाएगा, उसके ऊपर पकड़ लेगा उसको फॉस्फोरस कहेगा, वो कैल्शियम, कैल्शियम को पकड़ लेगा। तो कैल्शियम को पकड़ लेने से क्या होगा, ये हम देखते हैं Ca3PO4 का हॉल ट्वाइस जैसा कंपाउंड, जिसको हम देखते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट कह सकते हैं, है ना, TCP ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में बदल जाएगा, जो आगे जाके एपेटाइट बना सकता है, है ना, अभी हमने इसके फॉर्मूले भी सीखे थे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एल्कलाइन कंडीशंस और इन एसिडिक कंडीशन दोनों में ही जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं वो प्लांट को अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमें न्यूट्रल पीएच हो सॉइल की जो 7.2 के आसपास हो, तब हमारे लिए वो काम की बात है। तो आपको ओवरऑल ये बात समझ में आनी चाहिए कि एसिडिक कंडीशंस, या हम कहेंगे जब पीएच बढ़ती जाती है तब आयंस जो हैं वो कैसे चेंज होते जा रहे हैं। आपको समझ आ रहा है कि हम देख रहे हैं पहले H2PO4-, उसमें से एक H+ निकल जाए तो वो HPO4-, और अगर हम देखें HPO4-2 हो गया, और अगर हाइड्रोजन निकल जाए यानी और आ जाएगा, एल्कलाइन कंडीशंस हो जाएंगी, तो कौन सी फॉर्म बदल रही है, PO4-3 वाली कंडीशन, ये ऊपर चला जाएगा तो एक आयन कौन सा बन गया, PO4-3। कहने का मतलब मेरा ये है कि इन आयन्स को आप याद रखें कि कौन कौन सी पीएच पर ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है, डन है। तो ये बात होने के बाद एक चीज़ और हम नोट पॉइंट के रूप में याद रखते हैं कि वेरीसाइट एंड स्ट्रेगिनाइट, वेरीसाइट का फॉर्मूला क्या है, Al2PO4 का हॉल Al2PO4.2H2, स्ट्रेगिनाइट का फॉर्मूला है Fe2PO4.2H2, और Fe और एल्यूमिनियम आपको याद रखने हैं कि एसिडिक कंडीशन में होते हैं। तो वेरीसाइट एंड स्ट्रेगिनाइट आर फाइनल प्रोडक्ट्स इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन में ये दोनों फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि दोनों ही प्लांट के पास अनअवेलेबल या इनसॉल्युबल फॉर्म्स हैं। ओके, तो इसे याद रखिएगा, ये प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाती। तो इस तरह से हमने फॉस्फोरस फिक्सेशन, फॉस्फोरस रिटेंशन के बारे में कुछ बात कर ली है। अब हम ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है नेचर एंड अमाउंट ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि फॉस्फोरस फिक्सेशन को हम देख रहे हैं इफेक्ट कौन कर रहा था, हमने लिखा था डेफिनेशन में ही कि सॉइल के कंपोनेंट ही, तो सॉइल के कंपोनेंट में आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर फेरस और एल्यूमिनियम की ये ऑक्साइड ज़्यादा है, फेरस एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को हम सेस्क्यू ऑक्साइड्स कहते हैं, ये बात आपको पता ही होगी, है तो फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स अगर ज़्यादा हैं किसी क्ले के फॉर्म में ज़्यादा हैं, तो हम देखेंगे उसके अंदर फॉस्फोरस फिक्सेशन भी ज़्यादा होगा। समझ आई मेरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्लेज जैसे कि केओलिनाइट जिसे चाइना क्ले भी कहते हैं, है ना, तो छोड़ो, केओलिनाइट का हमने याद किया था 1:1 टाइप क्ले होता है, तो ये केओलिनाइट जो है वो अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा होगा तो वहाँ हम देख रहे हैं फॉस्फोरस का रिटेंशन या फॉस्फोरस फिक्सेशन जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो केओलिनाइट खुद क्या है, फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड
के अंदर ज़्यादा होते हैं, वो खुद ही फेरस और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। तो कहने का मतलब ये है, आपको ये समझ आनी चाहिए बात कि फॉस्फोरस इज रिटेन्ड है, ग्रामर के लिए सॉरी, फॉस्फोरस इज रिटेन्ड टू अ लार्जर एक्सटेंड बाय 1:1 देन 2:1। 2:1 वाले लोग कौन थे याद है? स्मेक्टाइट ग्रुप, जिसमें हम मॉन्टमोरिलनाइट, वर्मिकुलाइट वगैरह को याद करते हैं, है ना। तो उन लोगों का से आगे निकल गया आज केवलनाइट का दिन है याद है, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं ना याद करते हैं मोस्ट ऑफ द चीज़ें कि सी ई सी किसकी ज़्यादा, मॉन्टमोरिलनाइट या वर्मिकुलाइट की ज़्यादा, फिर मॉन्टमोरिलनाइट की ज़्यादा। तो ऐसे हर चीज़ में हम ये याद करते थे कि कौन आगे निकल जाता था, स्मेक्टाइट ग्रुप या हम 2:1 लोग आगे निकल जाते थे। लेकिन आज किसका दिन है? आज दिन है केओलिनाइट का। केओलिनाइट की हम देख रहे हैं फॉस्फोरस फिक्सेशन ज़्यादा कर रहा है। वैसे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फॉस्फोरस फिक्स कर लेगा तो वो प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा, है ना। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन खैर केओलिनाइट आज आगे निकल गया। सो देयर इज मोर एड्सॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट इन द लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल क्यों लिखा है? क्योंकि उसके अंदर केओलिनाइट ज़्यादा होता है। तो लैटराइट सॉइल या हम रेड सॉइल की बात करें तो उसके अंदर केओलिनाइट का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर फॉस्फोरस फिक्सेशन भी ज़्यादा होता है। क्लियर है ये बात आपको? तो हम इसने यहाँ लिखा है लैटराइट सॉइल और नीलगिरीज, वहाँ हम जो सॉइल कह रहे हैं उसके अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केओलिनाइट, केओलिनाइट ज़्यादा होने से फॉस्फोरस का फिक्सेशन भी ज़्यादा होता है। ओके, एक ये सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं आप कि फॉस्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी जो है वो रेड सॉइल के अंदर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ केओलिनाइट ज़्यादा है, उससे कम होगी ब्लैक सॉइल्स या डार्क ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्योंकि उसके अंदर स्मेक्टाइट है तो वो ज़्यादा फॉस्फोरस को रिटेन नहीं करते हैं, मतलब पकड़ के नहीं रखते हैं। ओके, तो हम देखते हैं उसके अंदर फिक्सिंग कैपेसिटी कम है। एलुवियल सॉइल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती हैं। ओवरऑल इंडिया के अंदर कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, कहते हैं हम नाइट्रोजन यूनिवर्सल डेफिशिएंट कहा था, याद किया था हमने, राइट। तो वैसे ही हम ये याद कर रहे हैं कि एलुवियल सॉइल में मैंने आपको कहा था कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है, लेकिन फॉस्फोरस की कमी नहीं होती वहाँ पे। क्यों नहीं होती? क्योंकि फॉस्फोरस ज़्यादा रिटेन नहीं कर रही, वो मतलब उसको पकड़ के नहीं रख रही, फिक्सिंग नहीं कर रही। तो आप उसे रिलेट कर लीजिए, याद रख लीजिए कि एलुवियल सॉइल जो है हम फॉस्फोरस फिक्सिंग नहीं करती हैं, तो ये अच्छी बात है ना। खैर आगे देख रहे हैं हम, नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अगर बढ़ेगा सॉइल में तो फॉस्फोरस फिक्सेशन कम होगा। एक क्रिस्टल क्लियर बात तो ये याद रखनी है, क्यों ऐसा, क्या है रीज़न? ये है कि फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोह्यूमिक कॉम्प्लेक्सेस। देखो क्या होता है, फॉस्फोरस जो हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है, ये जो नॉइस आ रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो वो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में कई सारे ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो फॉस्फोरस को पकड़ते हैं, फॉस्फोरस को जब पकड़ लेते हैं तो उससे एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फॉस्फोह्यूमिक कॉम्प्लेक्स। ये फॉस्फोह्यूमिक कॉम्प्लेक्स जो है वो प्लांट कहता है हाँ ये तो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, हम इसे अपटेक कर सकते हैं, यानी दीज आर अवेलेबल टू द प्लांट्स। ओके, नॉर्मल फॉस्फेट्स जो है अगर इनसॉल्युबल फॉर्म में है प्रेजेंट, उस इनसॉल्युबल फॉर्म को ऑर्गेनिक मैटर से निकलने वाले ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो अपने अंदर घोल लेते हैं, और घोल लेते हैं तो वो प्लांट उसको अपने अंदर ले सकता है। तो इस बात को याद रखें कि फॉस्फोह्यूमिक कॉम्प्लेक्सेस आर सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फेट फॉर द प्लांट्स। ओके, द सेकेंड वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ फॉस्फेट बाय द ह्यूमेट आयंस। ह्यूमेट आयंस जो है वो फॉस्फेट को रिप्लेस करते हैं, मतलब जिस जगह पे वो फिक्स हुआ हुआ है फॉस्फेट उसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस होने से फॉस्फोरस अलग हो जाता है तो फिर वो प्लांट उसे ले लेता है। तो इसलिए याद रखना है कि रिप्लेसमेंट ऑफ फॉस्फेट बाय द ह्यूमेट आयन। ह्यूमेट आयन कौन? तो वो जो ह्यूमस में से मिल रहा है। थर्ड वन इज कोटिंग ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू ऑक्साइड को अगर किसी ने कवर कर दिया, ह्यूमस ने अगर उसे कवर कर लिया तो फिर सेस्क्यू ऑक्साइड कहेगा कि अब मेरी क्या नहीं हो सकती, हम उसके अंदर हम देख सकते हैं उसका फिक्सेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सेस्क्यू ऑक्साइड जब खुले थे मतलब सरेआम घूम रहे थे, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स अगर सरेआम घूम रहे थे तो उनका फिक्सेशन कर दिया गया, लेकिन अगर किसी ने उसे ढक दिया तो फिर उनका फिक्सेशन नहीं होगा, यानी ये कोटिंग उसे बचा लेगी किससे, फॉस्फोरस फिक्सेशन से। ओके, तो इस तरह से हम ये तीन पॉइंट के रूप में ऑर्गेनिक मैटर का भी खेल याद रखते हैं। और भी इसके हम देख सकते हैं फैक्टर्स हैं, जैसे कि तीसरा फैक्टर आप जो लिखेंगे अपनी कॉपी में वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है जिस सॉइल के अंदर ज़्यादा होता है जनरली हम देखते हैं वहाँ फॉस्फोरस का रिटेंशन कम होता है, या मैं ये कह सकता हूँ प्लांट को फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है वार्म सॉइल। ऐसा क्यों? क्योंकि वार्म सॉइल जो है उसके अंदर रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर फास्ट ग्रो करती हैं। जब रूट्स अच्छे से जल्दी ग्रो कर लेंगे तो वो फॉस्फोरस का अपटेक कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखते हैं हम कि वार्मर रीजन के अंदर एज़ कम्पेयर टू कूलर रीजन फॉस्फोरस का फिक्सेशन कम होता है और हम देखते हैं फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। डन है ये बात। और साथ में एक पॉइंट ये भी याद रखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बेसिलस स्पीसीज हैं और साथ में स्यूडोमोनास स्पीसीज हैं, ये सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज हैं, तो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जबकि हम बात करते हैं जब फंगाई के अंदर तो फिर वहाँ
एस्परजिलस एविमोरी ऐसे करके जो फंगस है वो पर्टिकुलर फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग का काम करती है। VAM का नाम तो सुना ही होगा है ना, वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा है ना, ये फॉस्फोरस को स्टोर कर सकती है। तो वो कहने का मतलब ये हुआ, ये सब भी अपने आप में ये पॉइंट्स इस टॉपिक से ही जुड़े हुए हैं, तो आप कोशिश करिएगा उन्हें भी याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के दौरान हमने फास्फोरस की फिक्सेशन और साथ में फास्फोरस के अवेलेबल फॉर्म्स के बारे में बात करी। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे हैं फास्फोरस के प्लांट में क्या अलग अलग फंक्शंस हैं और उसकी डेफिशिएंसी से प्लांट में कौन से सिम्टम्स देखे जाते हैं। ओके, इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके सामने इस वीडियो के खत्म होते ही आपके सामने रिप्रेजेंट होने ही वाला है। साथ में अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गए हैं। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें और साथ में इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चर स्टडीज से।